अब हम लोग आ जाते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है URR, मतलब अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। किसके अंदर है सर? ये है तुम लोग के प्रीमियम के अंदर। सर लेकिन प्रीमियम का सम तो हम लोग ने ऑलरेडी दो सम सॉल्व कर लिया, अब आप इसके बारे में क्यों बता रहे हो? प्रीमियम के अंदर जो दो सम हम लोगों ने सॉल्व किए ना, दैट वाज ऑफ बेसिक टाइप, उसमें ना ये यूआरआर का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, इसीलिए हम लोग ने वो पहले सॉल्व कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूआरआर। ठीक है, चल थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसको यहां से लेके यहां तक ये अपना करंट ईयर है। करंट ईयर ले लेते हैं 1 जैन 12 से लेकर 31 दिसंबर 12, ये है अपना ईयर एंड। और इस डेट पे हम लोग बैलेंस शीट बनाने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब इस डेट पे हम लोग रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे और इस डेट पे हम लोग प्रीमियम क्या है, क्लेम क्या है कैलकुलेट करेंगे, और हम लोग ये कोशिश करेंगे टू कैलकुलेट व्हाट इज अवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। तो बेसिकली आज का दिन ये है। ओके श्योर, तो दिस इज अवर करंट ईयर, दिस इज लास्ट ईयर एंड दिस इज नेक्स्ट ईयर, राइट ओके। अब मान लो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी है, कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। अब मैंने एक कस्टमर को हम लोग ने प्रीमियम का, हम लोग ने इंश्योरेंस पॉलिसी बेचा, तो बताओ बदले में वो क्या पे करेगा? सर वो पे करेगा प्रीमियम। चलो मान लो मैंने उससे 1200 रुपीज का प्रीमियम ले लिया। कितने का? 1200 रुपीज का प्रीमियम। बताओ फटाफट ये प्रीमियम मेरे लिए क्या है? सर प्रीमियम तो अपने लिए इनकम होता है। ओके, ये कहाँ आएगा? सर रेवेन्यू अकाउंट का। और रेवेन्यू अकाउंट में कहाँ पे आएगा? सर रेवेन्यू अकाउंट में आएगा ये शेड्यूल नंबर 1 में। तो शेड्यूल नंबर 1 अपना प्रीमियम है। वेरी गुड, चलो ठीक है। अगर मैं बात करूं जनरल इंश्योरेंस का, तो मुझे बताओ जनरल इंश्योरेंस कितने टाइम पीरियड का होता है? सर जनरली जनरल इंश्योरेंस 1 साल का होता है। 1 साल बोले तो 12 मंथ्स, राइट। तो जो जनरल इंश्योरेंस होता है वो कितने महीने का होता है? 12 मंथ्स, राइट। तो मुझे ये बताओ ये जो 1200 हमने रिसीव किया एज अ प्रीमियम, उसका 12 मंथ्स कब से लेके कब तक है? यहां से लेकर के यहां तक, यस और नो? ओके, अच्छा अगर मान लेते हैं ये जो प्रीमियम है दैट इज रिगार्डिंग फायर इंश्योरेंस, दैट इज रिगार्डिंग व्हाट? फायर इंश्योरेंस। अब इस बंदे का घर पे यहां पे आग लग गया फॉर एग्जांपल, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रीमियम पे करेगा? सर बिल्कुल नहीं। क्यों? उसका जो प्रीमियम पे किया तो उसका 12 महीने तो कंप्लीट हो गया। अगर उसने रिन्यू करवाया होगा तो हम लोग को क्लेम पे करना पड़ेगा। अगर उसने रिन्यू नहीं करवाया होगा तो हम क्यों पे करें? हमारा तो 12 मंथ कंप्लीट हो गया। वेरी गुड, इसका मतलब अगर उसने 1200 रुपीज पे किया है, 1200 का प्रीमियम पे किया ऑन 1 जैन 2012, तो वो सिर्फ 31 दिसंबर तक ही रहेगा। मतलब ये पूरा का पूरा 1200 अपना करंट ईयर का है। यस सर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, चलो किसी ने मुझे प्रीमियम पे किया 1 जुलाई 2012 को, 1 जुलाई 2012 को कितना प्रीमियम पे किया? चलो मान लेते सेम 1200। अब मुझे सिर्फ ये बताओ इसको कवर हम लोगों को कौन से डेट तक देना पड़ेगा? सर इसने 1 जुलाई को अगर उसने पॉलिसी अपने पास से लिया है
तो उसको हमको कवर देना पड़ेगा 30 जून 2013 तक, बराबर है। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक है, क्या ये पूरा का पूरा 1200, ये पूरा का पूरा 1200 का प्रीमियम, ये क्या मेरा करंट ईयर का इनकम है? खाली वो बताओ। सर अगर इस 1200 का बात करें ना, तो ये पूरा का पूरा 1200 करंट ईयर का, ये देखो ना यहां से चालू हो रहा है और प्रॉपर यहां पे खत्म हो रहा है, वेरी गुड। लेकिन अगर इसका बात करें ना सर, तो करंट ईयर में जुलाई से काउंट करो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर बोले तो ईयर एंड, मतलब 6 महीना ही है। सो ये जो 1200 है ना सर, उस 1200 में से करंट ईयर का 6 मंथ का है और नेक्स्ट ईयर का 6 मंथ का है। अच्छा, मतलब आउट ऑफ 1200 600 करंट ईयर का है, 600 कौन सी ईयर का है, 600 है नेक्स्ट ईयर का। समझा मैंने क्या बोला? हाँ, तो ये जो 600 है, ये जो 600 है, मुझे सिर्फ ये बताओ इस डेट पे, इस डेट पे ये 600 क्या वो एक्सपायर हो गया? सर बिल्कुल नहीं। अच्छा अगर मैं बात करूँ ये 600, तो हाँ सर देखो ना, अपन ने पैसा कब लिया, 1 जुलाई को लिया, जुलाई से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने खत्म हो गए, तो इसका मतलब ये जो 600 इट इज एक्सपायर्ड, राइट। लेकिन ये जो 600 है ये कौन सी ईयर में आने वाला है? सर नेक्स्ट ईयर में। तो ये जो नेक्स्ट ईयर में आने वाला है, तो वो एक्सपायर्ड है कि वो अनएक्सपायर्ड है? तो वो बन गया है अनएक्सपायर्ड, समझा? तो उसको हम लोग बोलेंगे अनएक्सपायर्ड रिस्क, क्योंकि अगर इस 6 महीने में भी अगर उस इंश्योरर को लॉस हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी को उसको भी पे करना पड़ेगा। तो कंपनी ये पूरे के पूरे 1200 को करंट ईयर का इनकम नहीं बोल सकता। तो जो करंट ईयर का मंथ है उतना करंट ईयर का है, और बाकी का कौन सी ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है, तो वो नेक्स्ट ईयर में जाना चाहिए, राइट। अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते, इसी को हम लोग और एक्सटेंड कर लेते हैं। चलो यहां पे लिख देता हूं मैं, मान लेते हैं एक आ गया 1 अक्टूबर 2012 को और उसने हमको पे किया 1200। बताओ अब इस 1200 में से करंट ईयर का कितना है? सर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब करंट ईयर का है 300, वो हो गया एक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड कितना है? सर 900। और ये 900 कौन से ईयर का इनकम है? सर नेक्स्ट ईयर का। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब हमने ये 1200 इस साल में ले लिया, ये 1200 इस साल में ले लिया, और ये 1200 भी इसी साल में ले लिया। हमने जो इंश्योरर है, इंश्योर्ड है, उसके पास से तो पैसे ले लिए, पब्लिक के पास से तो पैसे ले लिए। सो 12 3 36, मतलब अगर मैं बात करूं प्रीमियम रिसीव्ड का, तो दैट इज 3600। लेकिन इसी 3600 में से अगले साल का कितना है? सर अगले साल का ये 600 है और अगले साल का ये 900 है, मतलब टोटल 1500 अगले साल का है। तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और यहां लिख देंगे URR, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। कितना माइनस करेंगे? 1500। कुछ समझा मैंने क्या बोला? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग URR, क्योंकि हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करें ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग URR, मतलब अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व का बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि पैसा तुमने ले लिया, प्रीमियम तुमको मिल गया है, लेकिन उसमें से आधा प्रीमियम कौन सी ईयर का है, अगले साल का है। तो तुम इस साल के इनकम में कैसे कंसीडर कर सकते हो? तो तुमको जो प्रीमियम इस साल में मिला है उसमें से उतना तुमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, अज्यूमिंग कि वो कौन सी ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का। क्लियर? तो बताओ फटाफट मेरा करंट ईयर का कितना हुआ? सर करंट ईयर का अगर मैं बात करूं तो 3600 माइनस 1500 कर दें हम लोग, तो दैट कम्स टू 2100। समझा कि नहीं? अब यही क्लोजिंग URR अगले साल में क्या बनेगा? सर ओपनिंग बनेगा। जो प्रीमियम तुमको इस साल में मिल गया बट वो इस साल का नहीं है, वो कौन सी ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का। तो नेक्स्ट ईयर में, इस साल से तुमने माइनस किया, तो नेक्स्ट ईयर में तुम लोग क्या करोगे,
सर ऐड करेंगे, सिंपल। तो सिमिलरली ये लास्ट ईयर में भी तो हमको कुछ ना कुछ, हम लोगों को लास्ट ईयर में प्रीमियम मिला रहेगा, जो लास्ट ईयर का ना होके वो कौन सी ईयर का रहेगा, करंट ईयर का। तो लास्ट ईयर में भी हमने कुछ क्लोजिंग यूआरआर क्रिएट किया रहेगा, और यही क्लोजिंग यूआरआर लास्ट ईयर में से हमने क्या किया रहेगा, माइनस, और ये क्लोजिंग यूआरआर करंट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग यूआरआर, और ये अपने लिए करंट ईयर का इनकम बनेगा। तो इसी को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर में ऐड करना पड़ेगा ये बोल के ओपनिंग यूआरआर। लेट अस अज्यूम फॉर एग्जांपल 900 ले लेते हैं, तो माय आंसर विल बी 3000। क्लियर? तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यूआरआर का मतलब अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। अनएक्सपायर्ड का मतलब उसका एक्सपायरी अगले साल होगा। जैसे मैंने अगर इसका एग्जांपल लिया तो इसका 6 मंथ करंट ईयर में हो गया, 6 मंथ अगले साल का है, तो 6 मंथ अभी तक एक्सपायर हुआ नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इस 1200 का बात करूं तो उसमें से तो सिर्फ 3 मंथ करंट ईयर में हुआ है, 9 मंथ अगले साल होने वाला है। तो 9 मंथ इट बिकम्स वॉट अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, राइट। तो हमको क्या करना है, जो भी हमको प्रीमियम करंट ईयर में मिला है, उसमें से थोड़ा प्रीमियम अगले साल का है, तो जितना भी अगले साल का उसको करंट ईयर में से क्या करने का, माइनस। सिमिलरली यही क्लोजिंग अगले साल में क्या बनेगा, ओपनिंग। जो इस साल का नहीं है, कॉमन सेंस है, वो अगले साल का है, तो अगले साल में ऐड होगा। तो सिमिलरली जैसे ये क्लोजिंग अगले साल में ओपनिंग बनेगा, पिछले साल का क्लोजिंग करंट ईयर में क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। तो पिछले साल में तुमने क्लोजिंग बोल के पिछले साल में से माइनस किया रहेगा, तो वो करंट ईयर में क्या होएगा, ऐड। तो एक चीज याद रखो, ओपनिंग यूआरआर विल गेट एडेड एंड क्लोजिंग यूआरआर विल गेट सब्ट्रैक्टेड। क्लियर? अच्छा, अब ना बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ना इसको बाय हार्ट कर लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता ना, तो वो लोग बाय हार्ट कर लेते हैं कि ओपनिंग प्लस करना है, क्लोजिंग माइनस, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि हमने यहां पे, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, तो हमने ओपनिंग को माइनस किया है और ना हमने क्लोजिंग को प्लस किया है। अच्छा, इसका मतलब यहां पे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, और यहां पे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस, और ना ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग ना बाय हार्ट करते, मगअप करते, तो गड़बड़ हो जाता है, समझ लेना ये चीज़। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ऊपर वाले में क्या था, लास्ट ईयर का प्रीमियम करंट ईयर में मिलता है। अब करंट ईयर में मिलने से वो करंट ईयर का तो नहीं, वो है तो वो लास्ट ईयर का, तो इसीलिए उसको माइनस करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको लास्ट ईयर में ही करंट ईयर का मिल गया है। मतलब ये जो URR है ना, इट इज वन टाइप ऑफ एडवांस। ये क्या है, वन टाइप ऑफ एडवांस, कि तुमको नेक्स्ट ईयर का अभी मिल गया, तो दैट इज वन टाइप ऑफ एडवांस। और यहाँ पे हम लोग जो बात करते हैं, इट इज वन टाइप ऑफ आउटस्टैंडिंग। तो इसीलिए दोनों अलग अलग है, तो थोड़ा सा ध्यान दो, बाय हार्ट मत करो कि ओपनिंग प्लस होता है और क्लोजिंग माइनस। क्लियर? ओके, तो ये जो भी था मैंने तुम लोगों को अब तक जो एक्सप्लेन किया वो था URR, और URR का मैंने तुम लोगों को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया कि URR होता क्या है और ओपनिंग क्लोजिंग कैसे उसको एडजस्ट करने का। अब अगर मैं बात करूं तुम लोगों को, तो इन ऑल जनरल इंश्योरेंस में 3 टाइप है, 1 इज फायर, 2 इज मरीन एंड 3 इज मिसलेनियस, राइट। तो हम लोगों को कितना कितना परसेंटेज यूआरआर लेना है, मैं बात कर रहा हूं जनरल का। जनरली नॉर्मली अगर फायर इंश्योरेंस का अपन बात करें, फायर का, तो उसमें ना यूआरआर होता है 50%। अगर मरीन का बात करें तो मरीन के अंदर यूआरआर होता है 100%। और अगर हम लोग मिसलेनियस का बात करें तो मिसलेनियस में यूआरआर होता है 50%। ओके, तो दिस इज जनरल। अगर किसी कंपनी को ये 50 के जगह पे 40 रखना है, या 50 के जगह पे 55% रखना है, यस इट इज अलाउड, तुम कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन के अंदर प्रॉपरली देख लो कि क्वेश्चन में कितना परसेंट यूआरआर बोला है। अगर क्वेश्चन में बोला है 40%, 50%, 55%, 100%, 105%, तो जितना क्वेश्चन में बोला है वो करो। मैं सिर्फ तुम लोग को ये बता रहा हूं, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो ये परसेंटेज का यूआरआर तुम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा एज पर दी रूल, ठीक है। क्योंकि कैसे होता है, साल भर में हमको बहुत सारे प्रीमियम मिलते हैं। अब जो प्रीमियम, अब मेरे एग्जाम्पल में मैंने क्या किया था, मेरे एग्जाम्पल में मैंने तुम लोगों को बता दिया कि इतने में से इतना इतना प्रीमियम करंट ईयर का, इतना इतना प्रीमियम नेक्स्ट ईयर का है। मैंने मेरे एग्जाम्पल में तुम लोगों को बता दिया 3 महीने इस साल के, 9 मंथ नेक्स्ट ईयर का। लेकिन अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी का बात करूं तो दिन के अंदर न जाने कितने सारे पॉलिसीज वो लोग बेचते होंगे। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट प्रैक्टिकली कि कितना करंट ईयर का और कितना नेक्स्ट ईयर का। तो रैंडमली वो लोग क्या करते हैं, जितना भी प्रीमियम मिलता है उसका 50% दे अज्यूम कि वो नेक्स्ट ईयर का है। मरीन के अंदर 100% और मिसलिनियस के अंदर 50%। क्लियर? अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ परसेंटेज दिया है तो वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, चलो नाउ लेट्स सी वन क्वेश्चन रिलेटिंग टू दैट। ठीक है, एक क्वेश्चन जरा देख लेते उससे रिलेटेड क्या लिखा है। मेट्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ओके, प्रीमियम रिसीव्ड बोला है, ये डायरेक्ट बिजनेस का है तो कॉमन सेंस से ये री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड का ही रहेगा क्योंकि ये रिसीव्ड है। सीडेड में तो हमको प्रीमियम पे करना होता है, राइट। देन उसके बाद ये है प्रीमियम पेड, तो प्रीमियम पेड है मतलब ये सीडेड रहेगा। री इंश्योरेंस बिजनेस वॉज सीडेड, राइट। देन उसके बाद यहां पे क्या बोला है, प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी क्या लिखा है, क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर। दिस इज द क्लेम पेड। फिर क्लेम पेएबल का ओपनिंग है, क्लोजिंग है, क्लेम रिसीव्ड है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, मतलब ये पूरा का पूरा क्लेम से रिलेटेड है। तो प्रीमियम से रिलेटेड एज सच कुछ ज्यादा है नहीं, उसमें कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग हम लोगों को दिया नहीं है। तो प्रीमियम से रिलेटेड क्या क्या है, प्रीमियम से रिलेटेड इन ऑल सिर्फ टोटल 3 आइटम दिया है बस। देखो अगर मैं बात करूं प्रीमियम का तो मैं यहां पे वर्किंग आउट करके बताता हूं तुम लोग को। दिस इज प्रीमियम, राइट। पहला आएगा डायरेक्ट बिजनेस, ऐड कर देंगे उसके अंदर री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड। क्या माइनस करोगे बताओ, री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड। बोलो डायरेक्ट बिजनेस का कितना है, 75,25,000। री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड इज 8,25,000 एंड री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड इज 4 लैक्स। राइट, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो व्हाट इज माय प्रीमियम, 75,25,000 डायरेक्ट बिजनेस का प्लस 8,25,000 री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड का माइनस 4,90,000 किसका, ये री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड। सो 78,60,000 जो है दैट इज माय नेट प्रीमियम, नेट प्रीमियम। ओके, अब मुझे क्या करना है, 78,60,000 में से मुझे माइनस कर देना है क्लोजिंग यूआरआर। सर क्यों, क्लोजिंग यूआरआर का मतलब ये जो टोटल प्रीमियम मिला है ये पूरा का पूरा प्रीमियम करंट ईयर का नहीं है, इसमें से आधा प्रीमियम नेक्स्ट ईयर का है। और मुझे क्या करना है, ऐड कर देना है ओपनिंग यूआरआर। क्या करना है, ओपनिंग यू आर आर ऐड करना है। वॉट इज ओपनिंग यू आर आर, सर ओपनिंग यू आर आर का मतलब होता है
कि जो प्रीमियम हमको ऑलरेडी लास्ट ईयर में मिला है, बट वो लास्ट ईयर का नहीं है, वो करंट ईयर का है, तो करंट ईयर का तो करंट ईयर में तो ऐड होगा ना। और ये दोनों प्लस माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा, दिस विल बी माय शेड्यूल नंबर वन, दैट इज प्रीमियम। ओके, तो चलो जरा एडजस्टमेंट देख लेते हैं, एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, लेट्स सी क्या लिखा है। देखो उसने क्या बोला है, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, मतलब यूआरआर टू बी मेंटेन 40%। ओके, द बैलेंस ऑफ रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एज ऑन 1 अप्रैल 13। 1 अप्रैल 13 का मतलब वो बात कर रहा है ओपनिंग का। तो बताओ फटाफट मेरा ओपनिंग यूआरआर कितना है सर, 28,40,000। ओके, सो मेरा जो ओपनिंग यूआरआर है दैट इज 28 लैक्स, एक ट्वेंटी एट लैक्स 40,000 ओपनिंग यू आर आर। क्लोजिंग कितना है सर, क्लोजिंग ना ये जो नेट प्रीमियम है ना उसका 40% है। क्लोजिंग जो है जो नेट प्रीमियम है उसका कितना परसेंट है, 40%। तो चलो फटाफट कैलकुलेट करके बता, 78,60,000 इंटू 40%, सो दैट कम्स टू 31,44,000। सो बताओ व्हाट विल बी माय प्रीमियम, 78,60,000 करंट ईयर में प्रीमियम मिला, उसमें से माइनस कर देंगे 31,44,000 जो हम लोग मान के चल रहे कि 40% नेक्स्ट ईयर का है, प्लस कर देंगे 28,40,000 जो ओपनिंग यू आर आर है, जो लास्ट ईयर में प्रीमियम मिला बट वो है कौन सी ईयर का, करंट ईयर का। सो माय आंसर विल बी 75,56,000। क्या रहेगा, 75,56,000। तो जरा सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं फटाफट, यहां देखो 75,56,000। इसका जरा हम लोग वर्किंग नोट भी देख लेते हैं एक बार। देखो 75,25,000 प्रीमियम रिसीव्ड है, देन उसके बाद प्रीमियम एक्सेप्टेड जो है वो ऐड हो गया है, सीडेड जो है वो हमने माइनस कर दिया, तो ये आ गया अपने को नेट प्रीमियम। और ना इन लोग ने ना 3,04,000 माइनस किया है, इन लोग को 3,04,000 कैसे आ गया मैं तुम लोग को बताता हूं। इन लोग ने ना यहां पे क्या किया है, देखो यहां पे देखो, ये है इन लोगों का ओपनिंग यूआरआर, ये है क्लोजिंग यूआरआर, ओपनिंग यूआरआर प्लस है, क्लोजिंग यूआरआर माइनस है, तो इन लोग को ये नेट 304 मिला है, और वो 304 उन लोगों ने यहां पे एडजस्ट किया है, ठीक है, और इसलिए उन लोगों का आंसर ये आ गया। हम लोग इतना सब नाटक नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली यहीं पे प्रेजेंट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, राइट। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहले क्या करना है, डायरेक्ट बिजनेस एड एक्सेप्टेड लेस सीडेड, ये नॉर्मल सा नेट प्रीमियम मिल जाएगा, उसके अंदर नेट प्रीमियम के अंदर क्लोजिंग क्या कर दो, माइनस कर दो, ओपनिंग कर दो प्लस, एंड देन यू विल गेट दी आंसर, क्लियर। चल तो ये हो गया प्रीमियम के बारे में, क्लेम के बारे में तो एज यूजुअल जैसा अपन करते थे डिक्टो सेम वैसे का वैसे ही आएगा। चलो फटाफट देख लेते, क्लेम पेड ये जो है ये पूरा का पूरा डायरेक्ट बिजनेस है, ये पूरा का पूरा री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड है, और ये जो है ये है री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड। ओके, तो क्या आएगा, ओपनिंग जो है वो माइनस होगा, क्लोजिंग जो है वो प्लस होगा, ऑलरेडी हम लोगों को ये सब चीज पता है, राइट, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस। ओके, जरा सॉल्व करके हम लोग उसका आंसर देख लेते हैं, 49,70,000 माइनस 6,85,000 प्लस 7,38,000 दैट कम्स टू 50,23,000 डायरेक्ट बिजनेस का। एक्सेप्टेड का देख लेते हैं, एक्सेप्टेड दैट इज 5,10,000 माइनस 95,000 ओपनिंग प्लस 70,000 क्लोजिंग, सो दैट कम्स टू 4,80,000
85,000 ये इसमें प्लस होगा, एक्सेप्टेड है। देन सीडेड का देख लेते हैं, 3,95,000 माइनस 75,000 प्लस 1,25,000, आंसर इज 4,45,000, राइट। अगर मैं इसको माइनस कर दूं और इसको प्लस कर दूं तो व्हाट विल बी माय आंसर, 50,23,000 प्लस 4,85,000 माइनस 4,45,000, दैट कम्स टू 50,63,000, बराबर है। उसके अंदर ये एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड 45,000 सर्वेयर का एंड 55,000 लीगल एक्सपेंसेस, तो इसी के अंदर ऐड हो जाएगा 45,000 सर्वेयर का फीस और ऐड हो जाएगा लीगल चार्जेस का 55,000। सो माय फाइनल आंसर फॉर क्लेम विल बी प्लस 45,000 प्लस 55,000 एंड माय आंसर विल बी 51,63,000। ओके, चलो जरा चेक कर लेते फटाफट। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये देखो 51,63,000 दिख रहा है तुम लोग को, उसका सॉल्यूशन भी एक बार जरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लेम्स देखो 5123, 485 एंड व्हाट 445, देन फाइनल आंसर कम्स टू 51,63,000। ओके, सो उन लोगों का आंसर देखने का कोई स्टेप देखने का कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी पूरा का पूरा सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व किया आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो 2,90,000 है, ये 2,90,000 इसमें से 1,00,000 क्या हो जाएगा माइनस। सर क्यों? अरे ये जो 1,00,000 है वो इसका है ना, ये 45,000 और ये 55,000 वो मैनेजमेंट एक्सपेंस के अंदर इंक्लूडेड था, तो ये जब 2,90,000 में से 1,00,000 माइनस हो जाएगा, इट विल बिकम 1,90,000। क्लियर, कंफर्म? चलो अब हम लोग बात कर लेते कमीशन के बारे में। वंस अगेन कमीशन देखो, ये 1,60,000 डायरेक्ट बिजनेस का है, 15,000 एक्सेप्टेड का और 18,000 सीडेड का है, तो इसके अंदर ये 15,000 प्लस होगा और ये 18,000 माइनस होगा, कमीशन का अमाउंट बताओ। सर 1,60,000 डायरेक्ट बिजनेस का प्लस 15,000 एक्सेप्टेड का माइनस 18,000 सीडेड का, आंसर विल बी 1,57,000। तो जरा चेक कर लेते हैं व्हाट इज आंसर। तो अब देखो यहाँ पे दिस इज अवर रेवेन्यू अकाउंट और अब जाके ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। देखो फॉर्म बी रेवेन्यू अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है, प्रीमियम ये चीज हम लोग को समझ में आ गया, ये उसका टोटल आ गया, राइट। क्लेम्स ऑन ये समझ में आ गया, कमीशन देख लो 157 ऑलरेडी है यहाँ पे लिखा हुआ है अपन ने 157 एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस 1,90,000। तो अगर मैं सब एक्सपेंसेस का टोटल कर लूं, अगर मैं सब एक्सपेंसेस का टोटल कर लूं तो व्हाट विल बी माय टोटल एक्सपेंस, सो टोटल एक्सपेंस विल बी 55,10,000, राइट, एंड देन 20,46,000 इज माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, तो ये तुम लोग को फॉर्मेट समझ में आया क्या बरोबर से? देखो यहाँ पे प्रीमियम ले लो, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड सिर्फ लिख दो, टेक द टोटल, उसमें क्लेम माइनस करो, कमीशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो, टेक द टोटल ऑफ योर एक्सपेंसेस एंड देन इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दो, यू विल गेट व्हाट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिपेयर द फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट एज पर IRDA regulations for the year ended 31st March 2014 for the following details, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे फायर ये वर्ड लिखा है, मतलब यहाँ पे जो हम लोग URR क्रिएट करेंगे इट विल बी 50%, राइट। ओके, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो जैसा बोला है वैसे करना पड़ेगा, नहीं दिया है तो 50%। यहाँ पे देखो दिया है, क्रिएट फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व इज हाउ मच, 50%। ओके, क्लेम पेड, क्लेम पेड कितना दिया, 4,90,000। एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम्स बताओ क्या होगा,
सर ये जो 10,000 है वो अपन 4,90,000 के अंदर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि वो किससे रिलेटेड है, क्लेम से रिलेटेड है, तो इसी के अंदर वो क्या हो जाएगा, ओके। देन प्रीमियम रिसीव्ड कितना मिला है, 13 लाख। री इंश्योरेंस प्रीमियम, ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या लिखा है, री इंश्योरेंस प्रीमियम क्या पेड, मुझे बताओ ये रिसीव्ड है, ये पेड है, तो ये क्या रहेगा बताओ सर, देख के तो ये लग रहा है कि ये क्या रहेगा, री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड किसी डेट, ये रिसीव्ड है, अगर ये भी रिसीव्ड होता तो एक्सेप्टेड, अपोजिट है मतलब सीडेड, दिस इज योर री इंश्योरेंस बिजनेस व्हाट सीडेड, तो वो क्या होगा, ये 1 लाख इस 13 लाख में से क्या हो जाएगा, माइनस, ओके। फिर उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद देर इज कमीशन, देन देर इज एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। अच्छा, अगर हम लोग शेड्यूल नंबर का बात करें तो प्रीमियम का नंबर 1 आएगा, प्रीमियम का नंबर 1, क्लेम का नंबर 2, कमीशन का नंबर 3, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट का नंबर 4, ठीक है, ये अपना आ जाएगा शेड्यूल नंबर। उसके बाद उसने क्या बोला है, उसने बोला है प्रोविजंस अगेंस्ट अनएक्सपायर्ड रिस्क, मतलब यू आर ऑन 1 अप्रैल 13, अपना जो बैलेंस शीट है वो क्या डेट पे है, 31 मार्च 14, मतलब ये दिया 1 अप्रैल 13, मतलब ये ओपनिंग हो गया, दिस इज माय ओपनिंग यू आर आर, राइट। तो फटाफट द ओपनिंग यू आर आर क्या होता है, सरप्लस होता है, वेरी नाइस। चलो उसके बाद क्लेम्स अनपेड, अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2013, तो बताओ फटाफट ये अनपेड मतलब क्लेम हम लोग ने लास्ट ईयर पे नहीं किया था तो कब पे करेंगे, करंट ईयर में, बट वो है कौन सी ईयर का, लास्ट ईयर का, तो क्या होएगा, माइनस किसमें से, इस 4,90,000 में से। क्लेम्स अनपेड एज ऑन 31 मार्च 14, मतलब ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, ये क्या हो जाएगा, करंट ईयर का क्लेम आउटस्टैंडिंग है, तुम पे कब करोगे नेक्स्ट ईयर, बट वो है कौन सी ईयर का, करंट ईयर का, तो ये क्या होना चाहिए, ऐड किसके अंदर, ये 4,90,000। तो फटाफट मेरे को कैलकुलेट करके बताओ व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ क्लेम, 4,90,000, उसमें 50,000 माइनस, 80,000 प्लस, और ये 10,000 ऐड, सो इट विल बिकम 4,90,000 माइनस 50,000 प्लस 80,000, तो मेरा आंसर आएगा 5,20,000, जिसमें से माइनस हो जाएगा 10, सॉरी ऐड हो जाएगा 10,000, दैट इज माय लीगल एक्सपेंसेस। सो मेरा जो क्लेम का अमाउंट है दैट कम्स टू 5,30,000, और अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे दैट इज 5,30,000, ओके। देन ये होने के बाद अगर हम लोग बात करें, चलो अभी अपने पास क्लेम का हो गया काम 1, 2, 3 एंड 4, अब आ जाते हैं हम लोग प्रीमियम पे। प्रीमियम रिसीव्ड है 13 लाख, प्रीमियम रिसीव्ड है 13 लाख, उसमें से प्रीमियम पेड है 1 लाख, सो जो मेरा नेट प्रीमियम है दैट इज 12 लाख, राइट। 12 लाख का 50%, 12 लाख का 50% बनेगा क्लोजिंग यू आर आर, 50%, That comes to 6 lakhs. इसका मतलब क्या हुआ? Out of 6, out of 12 lakhs, 6 lakhs कौन सी ईयर का है? Next year का. तो ये क्या हो जाएगा? Minus. और हम लोग add कर देंगे opening URR. और वो opening URR question में दिया हुआ है. फटाफट बताओ कितना opening URR? So that is 5,50,000. So tell me what is your net premium? Net premium. So that comes to 11,50,000. चलो जरा चेक कर लेते, व्हाट इज द नेट प्रीमियम, ये देखो 11,50,000, ओके। इसके अलावा हम लोगों को और क्वेश्चन में क्या दिया है, कमीशन दिया 3 लाख और मैनेजमेंट के एक्सपेंस है 2 लाख, तो देख लेते हैं, कमीशन है 3 लाख, मैनेजमेंट के एक्सपेंस कितना है, 2 लाख, तो मेरा जो टोटल इनकम है दैट इज 11,50, टोटल एक्सपेंस है दैट इज 10,30,000, तो 11,50 माइनस 10,30,000 दैट कम्स टू 1,20,000, दैट इज माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इजी है ना,
सेम टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग जरा होमवर्क में ले लेते हैं, ठीक है? दिस क्वेश्चन, एक्स फायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कमेंस इट्स बिजनेस ऑन 1st अप्रैल 2005। तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज कमेंस्ड। सर कमेंस्ड इंपॉर्टेंट क्यों है? अरे कमेंस का मतलब ओपनिंग यू आर आर विल बी जीरो, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर है तो कॉमन सेंस ओपनिंग बैलेंस कोई रहना ही नहीं है, राइट? श्योर। फिर उसने क्या बोला, इट सबमिट्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2006। प्रीमियम रिसीव दिया, यहाँ पे पेड वर्ड है, पेड मतलब वो क्या है, रीइंश्योरेंस बिजनेस सीडेड, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। फिर उसके बाद क्लेम पेड बोला है, फिर यहाँ पे क्लेम आउटस्टैंडिंग बोला है 31st मार्च 2006, मतलब क्लोजिंग है, ये आउटस्टैंडिंग इन करंट ईयर है, विल बी पेड इन नेक्स्ट ईयर। तो करंट ईयर में ये क्या होने वाला है, बोलो फटाफट क्या होएगा इसमें, एड सिंपल एक्सपेंसिस ऑफ मैनेजमेंट शेड्यूल नंबर 4, कमीशन पेड शेड्यूल नंबर 3, क्रिएट रिजर्व बोला है 40%, तो ये अपना आ जाएगा क्लोजिंग यू आर आर, राइट? एंड देन प्रिपेयर क्या बोला है, रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2006। मैं इसका तुमको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, सो दैट कि तुम लोग सम जब सॉल्व करो तो आंसर वेरीफाई कर सको। प्रीमियम अर्नड है 8,40,000, क्लेम है 8 लाख, कमीशन इज 50,000, अदर एक्सपेंसेस है 3 लाख, सो टोटल जो एक्सपेंसेस है दैट इज 11,50,000। तो अगर हम लोग बात करें प्रीमियम अर्नड का, तो प्रीमियम अर्नड है 8,40,000, मतलब इनकम 8,40,000 एंड जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस है 11,50,000, तो बोल को रूम के जो नेट लॉस है दैट इज 3,10,000। यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस। ओके, नाउ लेट्स कम टू वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जैसे हम लोग ने यहाँ पे ये URR के बारे में पढ़ा, राइट? तो URR हम लोग किस पे क्रिएट करते हैं? सर URR जो है ना, हम लोग प्रीमियम पे क्रिएट करते हैं, राइट? ओके, तो मेरे को बताओ प्रीमियम जो है, प्रीमियम वो तुम्हारे लिए क्या है? सर इनकम। ओके, हम लोग जो URR क्रिएट करते हैं वो कौन सा URR क्रिएट करते हैं मेरे को बताओ? अगर फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर तो तुम ओपनिंग URR क्रिएट करेगा कि क्लोजिंग? सर फर्स्ट ईयर है तो क्लोजिंग, और यही क्लोजिंग अगले साल क्या बनेगा, ओपनिंग। इसका मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम जब अपन URR क्रिएट करते हैं तो क्लोजिंग URR क्रिएट करते हैं, राइट? तो इस प्रीमियम पे हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, क्लोजिंग URR, और क्लोजिंग URR हम लोग प्लस करते कि माइनस? सर क्लोजिंग URR है ना, हम लोगों को ट्रांसफर करना है करंट ईयर से नेक्स्ट ईयर, तो हम लोग ना सर इसको माइनस करते हैं। तो मेरे को बताओ अगर तुम प्रीमियम में से क्लोजिंग URR तुम अगर माइनस करेगा तो बताओ ये प्रीमियम बढ़ेगा कि कम होगा? सर कम हो जाएगा। प्रीमियम का बेसिक बैलेंस बताओ। सर प्रीमियम इनकम है तो बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, तो कम करने के लिए डेबिट, तो एंट्री क्या आएगा, एंट्री विल बी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू URR। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू व्हाट, URR। अब मैं तुम लोग को ये सब क्यों बता रहा हूँ, पहली बात ये समझो ये क्लोजिंग URR है, और क्लोजिंग और ओपनिंग URR में सबसे पहली बार हम लोग क्लोजिंग URR ही बनाते हैं, और वही क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर क्या बनता है, ओपनिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो URR है इसका जो बेसिक बैलेंस होता है अन एक्सपायर्ड रिस्क का, सो इसका बेसिक बैलेंस जो होता है दैट इज क्रेडिट बैलेंस, दैट इज विच बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, राइट? तो अब अगर मुझे URR अकाउंट बनाना है, क्या बनाना है, URR का अकाउंट, चलो ध्यान से देखो, ये मैंने बना दिया URR का अकाउंट, राइट? तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मान लेते हैं 100 रुपए, और यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन मान लेते 120, राइट? तो मुझे एक बात बताओ, ये है ओपनिंग और ये है क्लोजिंग, बराबर? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने तुम लोग को ऐसे बोला कि
प्रीमियम है 800, तो बताओ तुम क्या करोगे? सर सिंपल, माइनस कर देंगे क्लोजिंग यूआरआर, प्लस कर देंगे ओपनिंग यूआरआर। तो क्लोजिंग यूआरआर कितना है 120 और ओपनिंग कितना है 100, तो ये हो जाएगा 780। हाँ या ना? चल, तो ये हो जाएगा अपना नेट प्रीमियम, राइट? ओके, अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, ये क्लोजिंग को और ये ओपनिंग को, दोनों को अगर मैंने मिक्स कर दिया, तो मिक्स करके क्या होगा वो बताओ। सर इन दोनों को अगर हमने मिक्स कर दिया तो वो हो जाएगा 20 नेगेटिव। तो बस वही चीज हम लोगों को करना है। यहाँ पे जरा ध्यान दो, ओपनिंग 100 है, क्लोजिंग 120 है, तो बैलेंसिंग फिगर 20 यहाँ पे आएगा। यहाँ तुम लोगों को लिख देना बाय रेवेन्यू अकाउंट। क्या लिख देना है? रेवेन्यू। अब याद रखना, रेवेन्यू में ना तीन टाइप के रेवेन्यू अकाउंट होते हैं, फायर, मरीन और मिसलेनियस। तो तुम लोग को चेक करना पड़ेगा कि कौन से रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा, फायर रेवेन्यू अकाउंट, मरीन रेवेन्यू अकाउंट कि मिसलेनियस रेवेन्यू अकाउंट। अब तक हम लोगों ने जितने भी सबसम सॉल्व किए सब फायर के ही थे, राइट? तो अब हम लोग जो एक सम देखेंगे उसके अंदर फायर भी है, मरीन भी, और क्या है, मिसलेनियस। ओके, चलो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स सी। अब यहां पे इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं जरा। खुश रहो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फर्निशेस यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है? ऑन 31st March 2013 इट हैड रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क टू बी ट्यून ऑफ 100 crores। मतलब वो क्या बोल रहा है, ऑन 31st March 2013, अगर ध्यान से देखोगे तो अपना करंट ईयर है 31st March 2014, मतलब कैनवी से ये ओपनिंग है। यस, हैड रिजर्व, हैड मतलब था, कौन सा रिजर्व था, अनएक्सपायर्ड रिस्क मतलब यूआरआर था। तो शॉर्टकट में बात करें तो ये बात कर रहा है ओपनिंग यूआरआर, किसका बात कर रहा है, ओपनिंग यूआरआर, कितना बोल रहा है 100 crores, राइट? फिर वो क्या बोल रहा है, इट कंप्राइज्ड ऑफ 37.5 करोड़ इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन नहीं है, इट इज मरीन। मरीन इंश्योरेंस बिजनेस 50 crores इन रिस्पेक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस बिजनेस एंड 12.5 crore इन रिस्पेक्ट ऑफ मिसलेनियस इंश्योरेंस बिजनेस। चलो फटाफट फिर से एक बार बता दो जरा, किसमें किसमें, मरीन में कितना है 50 crores, फायर में कितना है, सॉरी मरीन में कितना है 37.5 crores, फायर में कितना है 50 crores एंड 12.5 crore किसमें है, मिसलेनियस। अगर मैं इन तीनों का टोटल कर लूं 37.5 प्लस 50 फायर में प्लस 12.5 मिसलेनियस में, इसका टोटल कितना आता है? सर 37.5 प्लस 50 प्लस 12.5 टोटल कम्स टू 100, और यही 100 यहाँ पे दिया होगा मुझे, तो बोल रहा है ओपनिंग यूआरआर का टोटल जो है दैट इज 100, जिसमें से 37.5 मरीन में है, 50 crores फायर में है एंड 12.5 crores मिसलेनियस। ओके, चल अब सेकंड पॉइंट में उसने क्या बोला वो देख लेते हैं। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ खुश रहो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू क्रिएट रिजर्व, कॉमन सेंस रिजर्व तो क्रिएट करना ही पड़ेगा यूआरआर, 100% ऑफ नेट प्रीमियम इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस। तो मरीन के अंदर 100% है वो तो अपने को पहले से मालूम है, एंड 50% ऑफ नेट प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ फायर एंड मिसलेनियस इंश्योरेंस बिजनेस। तो ये चीज हम लोगों को पहले से मालूम था, अगर इस क्वेश्चन में ये पॉइंट नहीं भी दिया होता तो भी वो कॉमन सेंस था कि मरीन इंश्योरेंस के लिए 100%, फायर और मिसलेनियस के लिए 50%। ओके, श्योर। अब उसके बाद उसने क्या बोला वो भी देख लेते। ड्यूरिंग द ईयर 31st March 2014 द फॉलोइंग बिजनेस वॉज कंडक्टेड। चलो क्या बिजनेस दिया वो भी देख लेते।
उसने बोला है प्रीमा कलेक्टेड, प्रीमा बोले तो प्रीमियम, प्रीमियम कलेक्टेड, तो हम लोगों को 45, 107.30 इतना प्रीमियम मिला है। ओके, कहां से मिला है? इंश्योर्ड अदर देन इंश्योरेंस कंपनीज इन रेस्पेक्ट ऑफ द पॉलिसीज इंश्योर्ड, ठीक है, तो यहां से हम लोगों को प्रीमियम मिला। अदर इंश्योरेंस कंपनीज इन रेस्पेक्ट ऑफ रिस्क अंडरटेकन, तो यहां से भी हम लोगों को प्रीमियम मिला है। इसका मतलब ये जो पहला वाला लाइन है दैट इज डायरेक्ट बिजनेस और अदर इंश्योरेंस कंपनी से मिला है, इसका मतलब दैट इज योर री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड। अब यहां देखो क्या लिखा है, प्रीमियम पेड, ओ मतलब प्रीमियम पेड, फटाफट बताओ, ऊपर वाला कलेक्टेड था मतलब प्रीमियम मिला था, अब ये हम लोग ने प्रीमियम पे किया, मतलब ये क्या रहेगा, री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड, यहाँ पे लिखा भी है देखो वर्ड सीडेड है ना, तो फटाफट बताओ ये आइटम्स क्या होने वाले हैं, ये आइटम हो जाएगा माइनस। तो अब कैसे आएगा देखो जरा, इसमें ये जो है ये है प्लस होगा, इसमें से ये क्या हो जाएगा माइनस, और फिर हम लोगों को क्या मिलेगा, नेट प्रीमियम, क्या मिलेगा, नेट प्रीमियम। ओके चलो फटाफट जरा नेट प्रीमियम कैलकुलेट कर लेते हैं, पहला है 45 प्लस 17.5 माइनस 16.75, सो दैट कम्स टू 45.75। देन सेकेंड वाला 107.5 प्लस 12.5 माइनस 10.75 दैट गिव्स मी 109.25 एंड फाइनली 30 प्लस 10 40 माइनस 17.5 दैट गिव्स मी 22.5। राइट अब सवाल ये है कि सर अपना URR कितना आएगा, अच्छा पहली बात कौन सा URR, क्लोजिंग, कौन सा URR, क्लोजिंग, चलो फटाफट मेरे को बताओ मरीन में कितना आएगा, सर मरीन में तो 100%, वेरी गुड, फायर में कितना आएगा, सर फायर में तो 50%, ओके, और मिसलिनियस में कितना आएगा, सर मिसलिनियस में भी 50%, वेरी गुड, तो चलो फटाफट मेरे को कैलकुलेट करके अमाउंट बता दो, ये तो आ जाएगा 45.75, दिस विल कम टू 109.25 इंटू 50%, दैट कम्स टू 54.625 लिखो या 63 लिखो, आई विल रिकमेंड राइट 625 पूरा, ओके, देन 22.5 इंटू 50% दैट कम्स टू 11.2। बोलो ये सब क्या है बताओ फटाफट, सर ये सब है क्लोजिंग URR, क्या है मरीन का कितना है 45.75, फायर का इट इज 54.625 एंड मिसलेनियस का इट इज 11.2। ओके चल अब मुझे बताओ ओपनिंग कितना दिया था, सर ओपनिंग का अगर हम लोग बात करें तो मरीन में 37.5, फायर में 50 और मिसलिनियस में वॉज 12.5, तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया, हम लोग पहले यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाला बैलेंस तुम लोगों को समझ में आया क्या, ये जो URR है URR अकाउंट इट इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, इतना तो कॉमन सेंस सब लोगों को है राइट। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया क्वेश्चन में 37.5, 50 एंड 12.5, ये तो क्लियर है, देन हमने ऑलरेडी क्लोजिंग URR कैलकुलेट किया है, बोलो फटाफट क्या है क्लोजिंग URR, सर क्लोजिंग URR है 45.75, ये देखो 45.75, देन दूसरा वाला क्या है 54.625 लिखने के बजाय इन लोगों ने 63 लिखा, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, एंड तीसरा है 11.2 राइट,
तो अब मुझे ओपनिंग यूआरआर पता है, मुझे क्लोजिंग यूआरआर पता है, तो क्या मैं बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकता हूँ? देखो 45.75, 45.75, तो दिस 8.25 इज माय बैलेंसिंग फिगर. क्या वो मेरा बैलेंसिंग फिगर? ओके चलो, सिमिलरली अगर मैं टैली करूँ, तो दिस इज 54.63, 54.63, तो दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर. And this is 12.5, this is 12.5. So my balancing figure will be 1.25. Clear? Now, journal entry कैसे पास करें? Journal entry 8.25 का क्या आएगा? Revenue account debit to URR. Then इसका क्या आएगा? Revenue account debit to URR. और 1.25 का URR account debit to revenue account. अच्छा, यहाँ पे जब हम लोग रेवेन्यू बोलेंगे तो इट शुड बी मरीन, यहाँ पे रेवेन्यू बोला तो इट शुड बी फायर, और यहाँ पे रेवेन्यू बोला तो इट शुड बी मिसलेनियस. क्लियर? तो अब देख लेते हैं फटाफट व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री. देखो पहला वाला एंट्री बताओ 8.25 का, तुम लोग बोल के बताओ, सर रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू यूआरआर, लेकिन किसका रेवेन्यू अकाउंट? सर मरीन का. तो एंट्री विल बी मरीन रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू यूआरआर. तो देखो यहाँ पे ये वाला एंट्री देखो, Marine Revenue Account Debit to URR Account and Amount is 8.25. Okay? चलो दूसरा वाला बताओ, 4.63 का एंट्री क्या आएगा? सर सेम, Fire Revenue Account Debit to URR. Okay, तो देख लेते हैं, Fire Revenue Account Debit to URR. तो ये एंट्री भी हो गया. अमाउंट 4.625 लिखो या 4.63, दोनों भी चलेगा. एंड लास्ट, URR अकाउंट डेबिट टू कौन सा रेवेन्यू? सर मिसलेनियस. तो देखो यहाँ पे एंट्री इज URR अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रेवेन्यू 1.2. क्लियर? तो इस क्वेश्चन में तुम लोगों को पूछा क्या था वो भी एक बार पढ़ लेते हैं. पहले उसने पूछा पास्ट जर्नल एंट्री और बोला है शो इन कॉल्यूमिनर फॉर्म अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अकाउंट. मतलब जर्नल भी पूछा और लेजर भी किया है. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जर्नल करते हैं उसके बाद लेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने तुम लोगों को उल्टा सिखाया है, क्योंकि लेजर अकाउंट सीखना कंपैरेटिवली इजी था. तो पहले मैंने लेजर बता दिया एंड देन द बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से हम लोग ने उसका एंट्री पास किया है. ओके okay? ये एक सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में कर सकते हो. ठीक है, अंशुमान इंश्योरेंस कंपनी सेम टाइप का है. ठीक है, उसमें URR का अकाउंट दिया हुआ है फॉर 2011, दिया है 31 दिसंबर 2010, मतलब 1 जनवरी 2011 का. कितना दिया है? 40 करोड़, टोटल मिला के 40 है, जिसमें 15 करोड़ किसका है? मरीन का है. 20 करोड़ किसका है? फायर का है. And 5 crores in respect of what? Miscellaneous. फिर वो क्या बोल रहा है? 100% of net premium किसमें? Marine में. 50% किसके लिए? In respect of what? Fire and what? Miscellaneous. Same type का है. Then premium collected बोला है, तो ये भी collected है, ये भी collected है, तो ये दोनों भी add होगा, right? और premium paid बोला है, this is ceded. क्या ये ceded? ये क्या होना चाहिए बताओ फटाफट? ये होना चाहिए माइनस. तो जब इन दोनों को तुम लोग प्लस करोगे, उसमें से ये माइनस कर दोगे, तुम लोगों को मिल जाएगा नेट प्रीमियम. नेट प्रीमियम पे तुम लोग परसेंटेज अप्लाई करो, तुम लोगों को मिल जाएगा क्लोजिंग यूआरआर. क्लोजिंग यूआरआर तुमको मिल जाएगा, ओपनिंग यूआरआर सामने से दिया है. बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू योर रेवेन्यू अकाउंट. अब वो जिस किसी भी लेजर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर रहेगा, तो उसके हिसाब से वो जर्नल एंट्री आएगा. ओके, इसका सॉल्यूशन मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, सो दैट कि इट विल हेल्प यू. तो ये उसका सॉल्यूशन है. अब यहाँ पे इन लोगों ने सॉल्यूशन दो टाइप से किया है. ओके, तो सॉल्यूशन में व्हाट यू हैव टू डू इज, इन लोगों का सॉल्यूशन है ना, तुम लोग बिल्कुल भी मत देखो. ये सब तुम लोग अपने हिसाब से सॉल्व करो, जैसे मैंने तुम लोग को सिखाया है वैसे. ठीक है, क्या बोला मैंने? कैसे सॉल्व करना है? जैसे मैंने सिखाया है वैसे टाइप से सॉल्व करो. ओके,
बट फिर भी मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि इन लोगों ने उसके अंदर क्या किया है। ओके इन लोगों ने क्या किया मैं तुम लोगों को वो बताता हूं, बट तुम लोगों को सॉल्व वैसे ही करना है जैसे मैंने सिखाया, ठीक है। चल यहां पे देखो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। लेट अस अज्यूम कि दिस इज योर यूआरआर अकाउंट। ओके अब यहां पे आता है ओपनिंग, चलो फॉर एग्जांपल 10 रुपीज, यहां पे आ जाएगा क्लोजिंग फॉर एग्जांपल 12 रुपीज। अब मुझे बताओ तुम करते क्या हो? सर हम लोग लेते हैं बैलेंसिंग फिगर 2 और उसको डाल देते हैं रेवेन्यू अकाउंट, ऐसे ही करते हो ना? यस सर। जर्नल एंट्री क्या आता है बताओ? सर ये रेवेन्यू अकाउंट, देखो ये यूआरआर में क्रेडिट है, इसका मतलब यूआरआर को क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री आएगा रेवेन्यू अकाउंट डेबिट। अब रेवेन्यू बोले तो कौन सा रेवेन्यू? जो भी रहेगा, मरीन, फायर, मिसलेनियस, जो भी रेवेन्यू अकाउंट है वो रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू यूआरआर। ये ऐसे टाइप का एंट्री मैंने तुम लोगों को सिखाया है। ओके अब इन लोगों ने इसके अंदर क्या किया मैं सिर्फ तुम लोगों को वो बता रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वंस अगेन सेम क्वेश्चन, ओपनिंग 10 और क्लोजिंग 12, ओपनिंग 10 और क्लोजिंग 12। अब इन लोगों ने क्या किया है इसमें ना, इन लोगों ने बैलेंसिंग फिगर लिया ही नहीं। क्या किया है? ये 10 ट्रांसफर टू रेवेन्यू, रेवेन्यू अकाउंट, और ये 12 ये भी ट्रांसफर टू रेवेन्यू अकाउंट, दोनों भी उन लोगों ने रेवेन्यू अकाउंट में ही ट्रांसफर किया। तो बताओ फटाफट जर्नल एंट्री क्या आएगा? ओपनिंग क्लोजिंग का तो कभी कोई जिंदगी में एंट्री आता नहीं है। बोलो इस 10 का क्या एंट्री आएगा? सर यूआरआर अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू। वेरी गुड, एंट्री विल बी यूआरआर अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू। इसका एंट्री क्या आएगा? सर इसका एंट्री उल्टा आएगा, ये पहले वाले का अमाउंट 10, इसका एंट्री आएगा रेवेन्यू टू यूआरआर अमाउंट। सर अमाउंट विल बी 12। अब अगर मैं इन दोनों एंट्री को मिक्स कर दूं तो मिक्स करने के बाद मेरा जो एंट्री है वो यही आएगा एंड अमाउंट विल बी 2। समझा? तो इन लोगों ने क्या किया देखो, एकदम सिंपल सा एकदम कॉमन एंट्री है इन लोगों का। पहले ये जो एंट्री इन लोगों ने पास किया ये पूरा, ये ओपनिंग यूआरआर का है। किसका है? ओपनिंग यूआरआर। फटाफट मेरे को बताओ ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड में होता है? क्रेडिट। तो उसको ट्रांसफर करेंगे तुम रिजर्व में, तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? यूआरआर अकाउंट डेबिट टू टू रेवेन्यू अकाउंट। तो देखो यूआरआर अकाउंट डेबिट टू फायर, टू मरीन, टू मिसलेनियस। फायर वाला जो 20 है वो फायर में गया, मरीन का 15 वो मरीन में गया, और मिसलेनियस का जो है वो मिसलेनियस। शॉर्टकट में बात करें तो एंट्री है यूआरआर अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, ये हो गया अपना ओपनिंग यूआरआर, राइट। और सेम वे जो तुम लोग का क्लोजिंग यूआरआर आएगा, जब तुम लोग कैलकुलेट करोगे ना, तो मरीन का जो क्लोजिंग यूआरआर आएगा 18.3 रहेगा, फायर का जो क्लोजिंग यूआरआर है इट विल बी 21.85, मिसलेनियस का अमाउंट विल बी 4.5। तो क्लोजिंग का एंट्री क्या आएगा बताओ? सर क्लोजिंग तो क्रेडिट में होता है ना, जैसे अगर मैं ये यूआरआर अकाउंट बना दूं तो क्लोजिंग तो यहाँ पे होता है, तो अपन रेवेन्यू यहाँ लिखेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? सर रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू यूआरआर। तो देखो मरीन रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू यूआरआर, फायर रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू यूआरआर, और मिसलेनियस रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू यूआरआर। तो ये सब ओपनिंग बैलेंसेस है और ये सब क्लोजिंग बैलेंसेस है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करने का कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। इनका भी मैं तुम लोगों को लेजर अकाउंट भी बता देता हूँ। देखो जरा यहाँ पे पहले इन लोगों ने क्या किया है, ये लिया है ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये समझा। और ये तीन का तीनों ओपनिंग बैलेंस जो है वो उन लोगों ने ट्रांसफर कर दिया रेवेन्यू अकाउंट, इट इज ट्रांसफर्ड टू रेवेन्यू अकाउंट, जितना ओपनिंग है पूरा का पूरा। सिमिलरली फिर इन लोगों ने क्या लिखा है, बैलेंस कैरी डाउन ले लिया है। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना है? 18.3, 21.85 एंड 4.5, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है।
और इसी क्लोजिंग बैलेंस को उन लोगों ने क्या किया, रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। देखो तो इसका मतलब यहां पे ना इन लोगों ने कोई भी ना बैलेंसिंग फिगर नहीं लिया है, ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं लिया है। देखो यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट लिखा है राइट, और यहाँ पे बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस पे ट्रांसफर कर दिया रेवेन्यू में, क्लोजिंग बैलेंस पे ट्रांसफर कर दिया रेवेन्यू में, ऑटोमेटिकली जब दो एंट्री को मर्ज करेंगे तो अपना एक ही एंट्री आएगा। तो ये दो टाइप के सॉल्यूशन है जो तुम लोग कर सकते हो, जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया उसमें भी ऐसे ही कर सकते हो, या फिर इस क्वेश्चन में जैसे मैंने पहले बताया था वैसे कर सकते हो। बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करो, उसका एक ही एंट्री पास करके ट्रांसफर इनटू रेवेन्यू, या फिर ओपनिंग भी रेवेन्यू में ट्रांसफर करो, क्लोजिंग भी रेवेन्यू में ट्रांसफर करो, गोल गोल घूम के बात तो एक ही है। ओके okay?